और ऊंट बादल के साथ उनको प्रेसिडेंट ही कहा जा सकता है। अपने ऊंट पवन के साथ दैट वाज द स्टैंडिंग सैल्यूट ऑन रनिंग स्टैंडिंग सैल्यूट दिया गया है बाय हेड कॉन हाफ स्टैंडिंग पोजीशन में। ये देखिए घुटने टेककर ऊंटों पर सवार है कंवरलाल अपने ऊंट हीरा के साथ और हनुमान शानदार बहुत सुंदर ऊंट मोती के साथ दैट वाज द हाफ स्टैंडिंग सैल्यूट ऑन रनिंग कैमल बाय कांस्टेबल। सीमा प्रहरियों को फिजिकली फिटनेस का पूरा वाह ये अंदाज देखिए आप क्या बात दौड़ते हुए ऊंट पर मयूर पोजीशन में योगा अभ्यास करते हुए देखिए ऊंटों पर योगा अभ्यास हो रहा है। जौहर अपने ऊंट तेजू के साथ और मुख्य आरक्षक बहुत शानदार प्रदर्शन जीतू के साथ रामेश्वर लाल। ये देखिए मयूर मुद्रा में देखिए अब फिश पोजीशन मच्छी पोजीशन और हेड कांस्टेबल रईस। ये देखिए मछली के अंदाज है ये सुल्तान के साथ कैसे तैरती है उस अंदाज में आप देखिए ऑटो पर फिश पोजीशन ऑन रनिंग कैमल। और ये देखिए एक बहुत सुंदर अंदाज मेहरी का अंदाज एक भी सबका जनाब महिला के रूप में पनियारा की वेशभूषा में आप देख सकते हैं मतलब आप जो अनुप्राम व्यास देखिए सैल्यूट कर रहे हैं माथे पर मटके हैं कुछ और है और ये देखिए खड़े हैं ऊंट पर वाह क्या बात है कमाल कमाल है पनिहारी दुर्गा राम हेड कांस्टेबल है तो पनिहारी बनकर आ रहे हैं हम ही कह दें तो फिर वाह 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 कमाल है शानदार बहुत सुंदर है मुख्य आरक्षक दुर्गा राम अपने ऊंट और नृत्य मुद्रा के साथ ऊंट आ रहा है टग ऑफ वॉर फोर्डर्स के पार्टिसिपेंट्स को आप बुलाएं और ये डिस्को करता हुआ बहुत सुंदर नृत्य मुद्रा मुख्य आरक्षक पदम सिंह अपने ऊंट शाहरुख खान के साथ और ऊंट का नाम शाहरुख खान बताया जा रहा है। टेक अप फॉर विनर टीम फॉरेनर मैन टॉम एमटीज डेनियल और ये देखिए ऊंट की गर्दन पे सवार है इस बार जैकब रिचर्ड की गर्दन पर एक पीछे वाले उल्टे बैठे हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज कम ऑन ग्राउंड। वाह देखिए साहब ऊंट की पीठ पर सभी को देखा आपने ऊंट की गर्दन पर बैठा है देखिए कांस्टेबल और ये उल्टा है ये स्टंट देख रहा रहे हैं अपने ऊंट चंदू के साथ और कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह अपने ऊंट जग्गू की गर्दन पर सवारी करते हुए उनका नाम है जग्गू राइडिंग ऑन कैमल्स नेक। लड़ाई के दौरान दुश्मन के इलाके से गुजरते हुए देखिए कैसे घुटने टेक कर ऊंट निकलता है सीमा पर ये जगह बताया जा रहा है रोलिंग ऑफ कैमल विनेकल लॉरेंस टॉम एम्प्रिज शानदार कार्यक्रम आप देख रहे हैं जॉन जैसलमेर के अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव यानी डेजर्ट फेस्टिवल से के एक साथ दो ऊंटों की सवारी वाह रोनोट्रा सारा इसाबेल एक साथ दो ऊंटों की सवारी जूलियट पाम ये सब कुछ आप पहली बार देख रहे होंगे ये सब घर गए सवार एक ऊंट दो एक जोड़ी ऊंट पर सवार जसवंत सिंह आड़ लिए हुए देखिए दुश्मन साइड में हो गए मित्रों देखिए पाकिस्तान सोचता है कि केवल ऊंट जा रहा है लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसके केवल ऊंट उड़ता नजर आ रहा है लेकिन उसके पीछे देखिए सैनिक है ये देखिए अब नजर आ गए हैं और ये ऊपर आ गए हैं यानी दुश्मनों से कैसे बचा जा सकता है ये भी आप यहाँ पर देख रहे हैं अपने ऊंट सामने से सूरज की रोशनी के कारण हम आपको ठीक से नहीं दिखा पा रहे ये देखिए किस तरह से लटक गए ऊंट पर नाउ द कैजुअलिटी ऑन कैमल बैक और किस तरह से घायल सैनिक को ऊंट लेके जाता है ये यहाँ पर दिखाया जा रहा है। यदि हमारा जवान अगर जवान घायल हो जाता है तो कैसे ऊंट लेकर चला जाता है इस तरीके से मंजिल पर पहुंचा देता है अपने जख्मी शीर्षासन ऊंट पर वाह 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 ऊंट की पीठ पर शीर्षासन किया जा रहा है का सिर धसा हुआ क्या बात है जोरदार तालियां मित्रों कमाल कमाल बेहतरीन कांस्टेबल गोवर्धन राम देवा बहुत सुंदर अपने ऊंट टाइगर के साथ और कांस्टेबल बलवंत हेड कांस्टेबल और ऊंट की पीठ पर नाश्ता हो रहा है देखिए पेट प्लेट हाथ में है ऊंट दौड़ रहा है और आराम से नाश्ता हो रहा है। देखिए ऊंट की पीठ पर नाश्ता कैसे किया जा सकता है ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑन रनिंग कैमल दौड़ते ऊंट की पीठ पर नाश्ता जो धुन बज रही इतवाली चाल पे और ये देखिए क्या अंदाज है आरक्षक खिल्ला राम अपने ऊंट नजाकत के साथ दौड़ता हुआ आ रहा है सलमान खान युवा सखी बीएसएफ में सारे ऊंट वो मर्दी होते हैं मैच कैटरी नजर ना लगे इस ऊंट को क्या अंदाज है देखिए वरना गजब हो जाता सलमान इज कैरिंग इंडियन फ्लैग बींद बींदनी ऊंट पे आ रहे हैं दूल्हा दुल्हन आप देख रहे हैं दूल्हा मारू क्या बात है ये घनश्याम सिंह पंवार आप देख रहे हैं ढोला मारू के रूप में ऊंट पर सवार होकर आ रहे हैं ये राजस्थान का ढोला मारू का नजारा यहाँ पर दिखाया जा रहा है
वाह घनश्याम जी, इतने मनमोहक नजारे आज आपने देखे हैं। डोला मारू का नजारा भी देख लीजिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यहाँ की प्रेम गाथा, शानदार प्रदर्शन ऊंटों का आपने देखा भी। घनश्याम और पूरा दस्ता मनमोहक प्रदर्शन करने के बाद यहाँ से लौट रहा है। ये शाबाशी इन्होंने दी, क्या हम भी देंगे? देखिए एक और प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पर। पीटी और परेड आपने देखा होगा, लेकिन ऊंटों पर ये करतब दिखाए जा रहे हैं। वाह, हर कार्यक्रम लाजवाब है अपने आप में। बीएसएफ की टीम है ये। वाह, भरपूर तालियां मित्रों, लोग मंत्रमुग्ध होकर इनको देख रहे हैं। Advancing towards in four directions from four corners of ground in standing position on camels. विभिन्न मुद्राओं में आप देख सकते हैं, घुटनों के बल बैठे हैं, कोई कोई खड़े हैं। Crossing in middle of ground on half standing position. एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। खेलो इंडिया टीम से कैप्टन और यदि खिलाड़ी बहुत शानदार प्रदर्शन पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बधाई, ट्रॉफी उन्हें प्रदान की जाएगी। टीम प्रभारी कोजाराम जी चौहान कृपया ध्यान दें। खेलो इंडिया टीम बीएसएफ के जवानों का खूबसूरत प्रदर्शन आप देख रहे हैं। जैसलमेर का दृश्य आप देख रहे हैं, इंटरनेशनल डेजर्ट फेस्टिवल में ऊंटों पर किस तरह से स्टंट हो रहा है। देखिए ऊंट कितना अजीबोगरीब ढंग से दौड़ता है, लेकिन देखिए कमाल का बैलेंस है। और सर्किल में सारे ऊंट अब और आप घुटनों के बल बैठ गए हैं ऊंटों पर। क्या नज़ारे हैं, मैदान के ठीक बीच गोल वृत्ताकार घेरा बनाने के। ये देखिए कितने अनुशासित ढंग से कतारबद्ध चल रहे हैं। और ये तैयारी है फाइनल, और यहाँ से निकल रहे हैं, फाइनल मार्च पास्ट हो रहा है। ये सब की परेड आप देख रहे हैं। घनश्याम सिंह के साथ आप देख रहे हैं ये फाइनल मार्च पास्ट। बेहद खूबसूरत दृश्य, बीएसएफ के ध्वज के साथ दोनों टीमें कृपया आ जाएं पुरस्कार ग्रहण करने के लिए। इस बीच घनश्याम सिंह पवार नेतृत्व करते हुए ऊंट दस्ते का जोरदार तालियों के साथ, देखिए अंदाज देखिए इनका। ये वही दस्ता है जिसने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की इस दस्ते ने सीमा सुरक्षा बल के गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के राजपथ पर परेड में भाग लिया था। वो दस्ता देखिए आप, स्पार्कलिंग मार्चिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू, जिंदाबाद ए जवान। लीडर घनश्याम सिंह आप देख रहे हैं, जिंदाबाद ए जवान अपनी टीम के साथ अब मैदान से प्रस्थान करते हुए। कह रहा है ये आजाद हिंदुस्तान, साख भी दुआ तुमको सबका सलाम। सैल्यूट करता हूँ मैं इस शानदार प्रदर्शन को, शानदार जज्बे को, सबका दिल जीत कर अब निकलते हुए मैदान के बाहर। पुरस्कार वितरण भी हो रहा है, हर गतिविधि में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया जा रहा है साथ साथ में। केमल टैटू शो का पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं डिप्टी कमांडेंट घनश्याम सिंह जी। केमल टैटू शो का अवार्ड दिया जा रहा है बीएसएफ को, सहारन ये पुरस्कार ले रहे हैं। राजस्थान फ्रंटियर के डीआईजी माधव सिंह जी, घनश्याम सिंह ये उठ पवार, देखिए ये लड़कियाँ सबके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। ये था बेहद खूबसूरत आज का कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव यानी इंटरनेशनल डेजर्ट फेस्टिवल के तीसरे दिन आज आपने देखा बीएसएफ के जवानों का
और भारतीय वायुसेना के जवानों का शानदार प्रदर्शन, खासतौर से ऊँटों का प्रदर्शन दर्शनीय था, जिसने तमाम उपस्थित हजारों लोगों का दिल जीत लिया। वास्तव में पहली बार मैं जैसलमेर आया हूँ और इस कार्यक्रम कवरेज करके मुझे अपने आप पे गर्व हो रहा है कि मैंने इतना बड़ा कार्यक्रम कवरेज किया। जिन जवानों पर हम गर्व करते हैं, जो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, आज उन्होंने जैसलमेर के स्टेडियम में शानदार प्रदर्शन करके सबका दिल जीत लिया।